कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोत्स्वकर्मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, कर्मफल की इच्छा मत करना। कर्म का फल पाना तुम्हारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, परंतु इसका आशय यह नहीं कि तुम निष्क्रिय बन जाओ, कर्म ही ना करो। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीं, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर में भक्ति रखने वाला निष्कामी व्यक्ति कर्मफल का त्याग करके भगवान में निष्ठा होने के कारण परम शांति को प्राप्त करता है, किंतु जो भगवान से नहीं जुड़ा है, अस्थिर चित्त वाला वह व्यक्ति अपनी इच्छाओं के कारण एवं कर्मफल में आसक्ति रखने के कारण संसार के बंधन में पड़ जाता है। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना। ब्रह्म में लीन रहने वाला जानता है कि सब कुछ ब्रह्ममय है। वह जानता है कि यज्ञ में आहुति देने वाला ब्रह्म ही है, अग्नि जिसमें आहुति दी जाती है वह ब्रह्म है, हवन सामग्री भी ब्रह्म है, हवन करने की क्रिया भी ब्रह्म है। इस प्रकार से किया गया यज्ञ कर्म ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। तस्मादसक्तः सततम् कार्यकर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम आसक्ति से रहित होकर निरंतर कर्तव्य कर्म को भली भांति करो, क्योंकि बिना आसक्ति के कार्य करने वाला अनासक्त व्यक्ति परम उच्च अवस्था को प्राप्त करता है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ हवन करते हो, जो कुछ दान देते हो और जो कुछ स्वधर्माचरण रूप तय करते हो, सब मुझे अर्पण कर दो।